Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our channel. Today I am going to talk about a very important topic. लेकिन इसके पहले कि मैं लेक्चर को शुरुआत करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इसे यूज भी करते होंगे। इसे इंडिकेटर कहना उतना सही नहीं होगा, इसे ऑसिलेटर कहा जा सकता है और इसका नाम है RSI। लेकिन किसी भी इंडिकेटर के बारे में नॉलेज रखना दूसरी बात है और उसे ट्रेडिंग सिस्टम में उसे चार्ट पे यूज़ करना एक आर्ट है और वही आर्ट आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ इतना जानते होंगे RSI के बारे में कि अगर इसकी वैल्यू 80 से ऊपर चली जाती है तो वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है और हमें वहाँ पे स्टॉक को सेल कर देनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 30 से नीचे आ जाती है तो ये ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है और हमें वहाँ पे स्टॉक को खरीदनी चाहिए। तो क्या RSI का मतलब सिर्फ इतना ही होता है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, या इसे हम किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं? वीडियो को पूरा देखिएगा, लेक्चर को पूरा देखिएगा और आपको पता चलेगा कि RSI से हम कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग में भी और इंट्राडे में भी। सो RSI स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इसके जो डेवलपर का नाम था वो था J. Welles Wilder, जो 1978 में इसे डेवलप किए थे। मतलब इट हैज़ बीन मोर देन 14 ईयर्स, 40 सालों से ज़्यादा हो गया है RSI को डेवलप किए हुए और ये 40 सालों से ट्रेडर इसका यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि आपका जो RSI का सिस्टम होगा उस पर आप ट्रस्ट तो कर ही सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इट शोज़ द मोमेंटम और स्ट्रेंथ ऑफ 14 डेज ऑफ एनी स्टॉक्स। अगर आपने वन डे के कैंडल यूज़ की हुई है तो ये 14 दिनों का उस स्टॉक का, अगर मान लो 14 कैंडल हम ऐसे बनाते हैं तो उस स्टॉक में 14 दिनों में उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को दिखाता है कि ये बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है, राइट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इट हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 to 100। इसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं जैसे कि 0 से लेकर 20, 40, 60, 80 और 100 तक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसकी जो कॉमन बात है जो सबको पता होती है कि RSI का वैल्यू अगर 80 से ऊपर चला जाता है तो वो ओवरबॉट जोन हो जाता है। किसी भी स्टॉक में RSI की वैल्यू अगर 80 को क्रॉस कर जाती है तो वो ओवरबॉट हो जाता है, वो किसी भी समय फॉल हो सकता है, ये सब लोग जानते हैं। अगर किसी भी RSI का वैल्यू 30 से नीचे चला जाता है तो वो ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो स्टॉक होगा वो एक्यूमुलेशन का टाइम होगा, राइट। तो वहाँ पे आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये लीडिंग इंडिकेटर कहने से सही नहीं होगा, इसे आप ओसिलेटर कह सकते हो क्योंकि ये ओसिलेट होते रहता है पेंडुलम की तरह। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक को जो 80 तो क्रॉस कर चुके हैं लेकिन वो ऊपर की तरफ बुलिश ही होते जा रहे हैं, वो स्टॉक गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर आपकी जो ये थियरी है वो तो फेल हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कितने सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो 30 के नीचे उनकी RSI चली गई है और पिछले 2 महीने से वो वहीं पे कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो ये क्यों फेल हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि RSI के और कितने तरीके हैं यूज़ करने के। और आप RSI को जब भी यूज़ करेंगे तो इसे सिंगल यूज़ नहीं करेंगे, आप इसे किसी और इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लाइक MACD, बॉलिंजर बैंड, ADX आपको ट्रेंड का पता चलता है तो आपको किसी न किसी इंडिकेटर के साथ इसे कंबाइन करना ही होगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि RSI का वैल्यू 80 से ज़्यादा होगा तो ओवरबॉट हो जाएगा। तो ये क्या स्मॉल टाइम फ्रेम पे बेहतर काम करता है? नहीं। अगर आप 15 मिनट की कैंडल लगाते हो, 5 मिनट की कैंडल लगाते हो तो काम तो करता है, काम करेगा, बट उतने बेहतरीन तरीके से काम नहीं करेगा जितने कि ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करेगा। जैसे कि आपको जो ये वैल्यू देखनी है वो 1 वीक के चार्ट पर देखना है तो आपको ये क्लियर पता चलेगा कि ये क्या कहना चाहता है। अब आप इसको अगर 1 मिनट कैंडल पर, 5 मिनट कैंडल पर लगा देते हो तो ये हो सकता है या 1 डे के कैंडल पे कि उतने सही तरीके से काम ना करे। फिर भी ये एक है, जब भी RSI 80 क्रॉस करे तो आपको थोड़ा सा सतर्क तो हो ही जाना है, राइट। तो चलते हैं सीधे हम ज़ीरोधा के चार्ट पे और देखते हैं कि यह पॉइंट क्या कहता है। यह है अब आपके सामने रिलायंस का चार्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आरएसआई की वैल्यू है वो 78 के आसपास है, राइट। और यहाँ पे जो रिलायंस का कैंडल का फॉर्मेशन, ये आज की मतलब कैंडल बन रही है, आज कौन सा डेट है, 2 सितंबर की कैंडल है, इतना बुलिश कैंडल बन रही है। क्या आपको लगता है कि ये तो 78-80 क्रॉस करने वाला है, तो क्या आपको सेल कर देना चाहिए यहाँ पर, या फिर आप कुछ देखोगे, प्राइस एक्शन को भी देखोगे। अगर आप यहाँ पर सेल कर दोगे तो हो सकता है कि रिलायंस इसके बाद और भी ऊपर चलती चली जाए, ठीक है। तो आपको प्राइस एक्शन को भी देखना होता है। प्राइस एक्शन में आता है कैंडल स्टिक पैटर्न, पिवट्स पॉइंट, जो भी हो। तो कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे आ रही होगी, आप जाकर उससे पहले देखिए। आप आरएसआई को बोला ना कि आपको सिंगल यूज़ नहीं करनी है, आपको किसी न किसी इंडिकेटर के साथ, प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करके यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका जो आरएसआई अभी जो बन रहा है वो 80 के ऊपर जाएगा तो ओवर बॉड जोन हो जाएगा और आपको सेल कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है कि आपको अभी इस ट्रेंड में बने रहना है। और यहाँ पे आपके सामने कैंडल लगी हुई है 1 डे की, इसे हम चेंज करके 1 वीक करते हैं। अब आप देखो ये कितने बेहतरीन तरीके से काम करेगा। जो आपका पॉइंट था कि 80 के ऊपर जो जाता है वो बुलिश हो जाता है, मतलब ओवरबॉट हो जाता है, तो उसे आपको सेल करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टॉक है वो कहाँ पे है, यहाँ पे जो स्टॉक है, एक सेकेंड वेट, यहाँ पे जो स्टॉक है वो लगभग 20 पॉइंट के आसपास है। आरएसआई की कितनी हो गई, 20, गिर गिर के स्टॉक जो है 20 पे आ चुका है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आरएसआई का यहाँ पे बाय करोगे। 1 वीक का कैंडल देखना है आपको। और ये देखो अभी ये स्टॉक कहाँ से गिरा, जब 80 के पास पहुँचता है तो ये स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आती है और स्टॉक करेक्ट होकर यहाँ पर आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि लंबा टाइम समय पर, लॉन्गर टाइम फ्रेम पर ये जो वैल्यू है कि 80 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है, वो बेहतरीन तरीके से काम करे, जितना कि वो 1 डे के कैंडल पे या फिर 15 मिनट के कैंडल पे काम करेगा। अब ये है आपके सामने एयरटेल का चार्ट, टाइम फ्रेम है 1 वीक। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टॉक है वो गिर रहा था और जब ये 20 के आसपास पहुँचता है तो इसमें यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। कैंडलस्टिक के बारे में नहीं जानते, जानना बहुत ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखते हो कि यहाँ पे देखो 20 के आसपास आ चुके हैं, मतलब अब ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट भी के लगा हुआ है, पे कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। और यहाँ से जैसे ही स्टॉक ने ऊपर उठना शुरू किया, यह 80 के आसपास पहुँचने वाला है, अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है। और ये जैसे ही 80 के आसपास पहुँचेगा आपको इस स्टॉक से निकल जानी है, वीकली टाइम फ्रेम पर, ना कि डेली टाइम फ्रेम पर या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि मैं कैसे आरएसआई का यूज़ करता हूँ। ये तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड की बात हो गई। अब मैं आपको बताऊँगा कि आरएसआई को इंट्राडे में या बैंक निफ्टी ऑप्शन बैंक में कैसे यूज़ करेंगे। अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसे प्रो टिप्स भी कह सकते हैं, राइट। ये बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और भी आपने कहीं ना कहीं इसे सुना भी होगा, लाइक कि यहाँ पे क्या होगा, बाय सिग्नल ओनली। आपको किसी भी स्टॉक को कब बाय करना है, जब यह आरएसआई की ब्रेकआउट, आरएसआई की जो वैल्यू वो 60 के अबव जाए, मतलब नीचे से उठते हुए 60 को ब्रेक करे। और जब यह ब्रेक करे तो आपको ध्यान क्या देना है कि वहाँ पर अगर जो कैंडल होगी ना वो किसी न किसी मेजर रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करना चाहिए, राइट। लुक फॉर सेल व्हेन इट विल ब्लो डाउन 30, सॉरी यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, बिलो हो चुका है, व्हेन इट विल ब्रेक डाउन 30। और मान लो कोई स्टॉक गिर रहा है तो आप इसे शॉर्ट कब करोगे, इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में भी, जब यह किसी मेजर सपोर्ट, यहाँ पे कोई सपोर्ट है उसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया या फिर पिवट पॉइंट का सपोर्ट हो गया, वो ब्रेक हो जाता है ऊपर के चार्ट पे और इधर आरएसआई भी 30 के नीचे चली आ जाती है तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है कि व्हेन आरएसआई इज इक्वल टू 60 एंड 40, जब भी वैल्यू जो होगी 60 और 40 होगी उसकी, इट एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जैसा काम करेगा। अब हम इसे चार्ट पे देख लेते हैं कि ये कैसे यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले हम आरएसआई की सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम स्टडी पे जाएंगे, आरएसआई पे जाएंगे और ये जो ओवरबॉट जोन 80 है उसे हम करेंगे 60, राइट। और जो ओवरसोल्ड जोन है उसे हम करेंगे 40, राइट। आप समझ गए होंगे और इसे डन कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हम चीज़ यूज़ करने वाले स्टडीज़ में पिवट पॉइंट के बारे में, पिवट पॉइंट को भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके सामने ये लग चुका है, इसमें कोई भी सेटिंग्स में हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कि पिवट पॉइंट्स को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन पे आ रही होगी, आप उस पर जाके देख सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है पिवट पॉइंट, तो आप उसे मिस नहीं कर सकते। अब ये वही एयरटेल का चार्ट है, कैंडल लगी हुई है वन डे की। अब आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी समय से। तो ये कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है? RSI 40, मतलब RSI 40 जो मैं बोला था कि सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर वो जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, और ये कंसोलिडेट होते हुए आपको खरीदना कब था? जब 60 को ये ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे जब RSI की वैल्यू आप देख सकते हो इस कैंडल के पास में 60 के ऊपर ब्रेकआउट देती है, तो क्या हमारा जो इम्पोर्टेंट ये कंसोलिडेशन फेज था एयरटेल में वो ब्रेक होता है कि नहीं होता है? होता है, और इसका नेक्स्ट जो क्लोजिंग होती है वो इस पिवट पॉइंट के ऊपर हो रही होती है। और यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे RSI का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे दो जो कैंडल रेड कैंडल बन रही है उससे आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को रीटेस्ट कर रही है, और रीटेस्ट के बाद जैसे ही ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो चुका है, ये देखो स्टॉक बूम से ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं। और इसकी वैल्यू कहाँ से गिर रही है? इसके आसपास जो वैल्यू है ना वो 80 के आसपास ही आएगी, राइट। तो वहाँ पे आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ, स्टॉक को सेल मत करो, कॉन्शियस हो जाओ। वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको सिंपली देखनी है प्राइस एक्शन को। तो प्राइस एक्शन जो है वो क्या दिखा रहा है एयरटेल में, कि अभी ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है। यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो रेड कैंडल बन रही है वो इवनिंग पैटर्न बना रही है, राइट। तो यहाँ से स्टॉक हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, और उसका 630 तक आ सकता है। तो ये आपको पहले से पता है, मैं चाहूँ तो इसे शॉर्ट सेल कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे काम करता है RSI। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये है आपके सामने रिलायंस का चार्ट, कैंडल है वन डे की, मतलब स्विंग ट्रेडिंग की बात की जा रही है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है? 40 है, राइट। 40 हमने लगा के रखा था। 40 किस तरीके से काम करता है? जब ये स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है तो सपोर्ट की काम करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है? यहाँ पे कैंडल सपोर्ट ले रही है कि नहीं ले रही है? हम इसे शॉर्ट सेल कब करते हैं? जब यह मेजर RSI का जो सपोर्ट है 40 वो ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाता, और इसके साथ ही साथ एक मेजर यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको भी ब्रेक होना है। तो क्या वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है? क्या वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है? ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये W टाइप का कुछ डबल बटन RSI में बना रहा है, मतलब कि यहाँ से जो स्टॉक है वो बुलिश हो रही है। और जैसे ही इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे RSI देता है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पैटर्न को एनालाइज करो, यहाँ पे जो आप प्राइस एक्शन को एनालाइज करोगे तो आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे तो इवनिंग मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये वाला जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। तो यहाँ से आप बिल्कुल बाय इनिशिएट कर सकते हो। आपका जो 60 लेवल होगा वो रेसिस्टेंस के जैसा काम करेगा। जैसे ही 40 से RSI ने उठना शुरू किया, यहाँ पे 60 के लेवल पे आप देख सकते हो कि रेसिस्टेंस जैसे काम किया कि नहीं किया। यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी हुई, बट ये एक रीटेस्ट था। फिर से जैसे ये नीचे आया, आप यहाँ पे और भी अपनी क्वांटिटी, बाइंग क्वांटिटी बढ़ा सकते थे। और ये देखो बूम से RSI ऊपर, स्टॉक ऊपर, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यहाँ पर जैसे ही, अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करता हूँ, जैसे ही 60 का ब्रेकआउट होता है, RSI 60 की वैल्यू से ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। आप यहाँ पर देखो एक मेजर पिवट पॉइंट है, और आप यहाँ पर इसे ड्रॉ भी करोगे ना, इसे आप अगर अच्छे से ड्रॉ करते हो चार्ट पे, तो एक मेजर रेसिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें कंफर्म हो रही है। तो खैर होगी वन डे की बात, हम इसे इंट्राडे में भी देख लेते हैं, रिलायंस में ही भी इंट्राडे में देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, रिलायंस का ही चार्ट है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल चेंज हो गई है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिलायंस का चार्ट, कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की लगी हुई है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टॉक नीचे गिर रहा है और 40 से नीचे चला रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे वेट करोगे कब यह 40 का लेवल का ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप कैंडल को लाकर देखोगे, आपको क्लियर पता चलेगा कि इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक सपोर्ट है। RSI ऊपर की तरफ उठना शुरू किया, और ये जो स्टॉक है वो भी ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हुई नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद ये जैसे 60 के पास जाता है, ये वाला जो लेवल है वो 60 है, तो यहाँ पे कैसे काम करेगा? रेसिस्टेंस के जैसे काम करेगा, राइट। और यहाँ पे पिवट पॉइंट में आपने बाय किया, और जैसे ही यहाँ पे गया तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को देखोगे, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है जो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, और आप अपने जो प्रॉफिट है जो यहाँ पे बाय किया था यहाँ पे सेल करके एग्जिट कर दोगे। फिर देखो, फिर ये कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है? 40 के पास। तो जो 60 और 40 के लेवल वो रेसिस्टेंस और सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। और जैसे ही ये जो सपोर्ट है, ये 40 का सपोर्ट है, जैसे ही ब्रेक होता है, ये देखो स्टॉक जो होता है एकदम धड़ाम से नीचे की तरफ आ जाती है। यहाँ पर हम एक और स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं बजाज फाइनेंस का, और इसका जो इंट्राडे चार्ट है उसे हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मिनट की कैंडल लगी हुई है। तो आज का ये 3 सितंबर का चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही ये जो ओपनिंग होती है वो 60 के ऊपर होती है, तो आपको तो वेट करना है। और यहाँ से जैसे ही स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो RSI जो 40 का लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट के जैसा काम करता है, राइट। और ये तब तक यहाँ पे शेयर कंसोलिडेट होते रहता है, और जब यहाँ सपोर्ट से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डोजी बनता है, मतलब ट्रेंड का रिवर्सल का वो इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद स्टॉक जो होता है ऊपर की तरफ चली जाती है, और RSI का लेवल भी 60 पे जाके रुका हुआ है। मतलब 60 कैसा काम करेगा, अभी के जो अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 का जो लेवल है यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, मेन सेंट्रल पिवट पॉइंट। और यहाँ पे 60 है, अगर 60 ब्रेकआउट दे देता है RSI का लेवल, और यहाँ पे भी ये जो कैंडल की क्लोजिंग होगी 5 मिनट की, यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाती है, तो आपका जो टारगेट होगा वो ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी लाइव एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, जो कैंडल बन रही है ना वो बेयरिश कैंडल बन रही है। क्यों? क्योंकि 60 जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। आपने अगर ये वीडियो देखी होती तो आप अभी कभी इसे शॉर्ट करते, और बजाज फाइनेंस यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, ये आपको पता है। या फिर आपने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना रखी है तो आप यहाँ पे इसे सेल कर सकते थे, और अब सीधे सीधे कितना पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट हो जाता, 7475 से लेकर 7503, 30 पॉइंट्स का बेनिफिट तो आसानी से हो जाता। तो ये ऐसे मैं यूज़ करता हूँ RSI को। अब ये इंट्राडे था, बजाज फाइनेंस में ही हम स्विंग ट्रेडिंग में देख लेते हैं। अब ये है आपके सामने बजाज फाइनेंस का 1 डे का चार्ट, राइट। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो कि 1 डे का कैंडल लगा हुआ है बजाज फाइनेंस उसी में। और आप यहाँ पे देखो ये जो स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है वो कहाँ किस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रही है वो 40 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, राइट। और यहाँ से RSI ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, और फिर 60 जो है इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर आप यहाँ पर देखो जैसे ही 60 का ब्रेकआउट होता है यहाँ पर एक वॉल्यूम सी कैंडल बनती है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर बाय पोजिशन इनिशिएट कर सकते हो जैसे ही हो वो ब्रेकआउट होता है RSI का ब्रेकआउट, राइट। तो यहाँ से उसके बाद क्या होगा कि कैंडल कैसे पूरी तरीके से अप ट्रेंड में चली जाती है, और RSI की जो वैल्यू है वो 83 पहुँच चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या है, ये ओवर सोल्ड जोन में है। आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब ये स्टॉक जो है वो है अप ट्रेंड में, और यहाँ पर देखो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए। लेकिन क्या यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिल रहा है, क्या कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। जब तक एक रेड कैंडल नहीं बनती अच्छे से तब तक ये कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे अपनी जो इस पर आप कॉन्शियस हो जाओगे बजाज फाइनेंस को लेके, हो सकता है कि ये स्टॉक फॉल हो जाए RSI को देखते हुए। अब हम यहाँ पर लगा चुके हैं 1 वीक का, 1 वीक की एक कैंडल इंडिकेट कर रहा है 1 वीक में जितने भी उसमें स्टॉक में बाइंग और सेलिंग आई हुई है वो। और 1 वीक में RSI हमें क्या दिखा रहा है कि इसकी वैल्यू भी 80 के आसपास पहुंचने वाली है। 1 डे के कैंडल में भी RSI की वैल्यू 80 ही थी। तो आप अपना यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे है, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो करेक्ट होकर नीचे आने ही वाला है, क्योंकि आपको 2 जगह से कन्फर्मेशन मिल चुकी है, राइट। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं RSI को किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी वीडियो लेक्चर्स में बताई वो आपको समझ में आई होगी, और आप इसे अपनी ट्रेडिंग टेक्निक में यूज़ करेंगे। अगर आपको ये बेनिफिट होता है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी और टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।